Hello and good morning, my dear students. A very warm welcoming you. Okay, so myself Jay here. Okay, today we are going to discuss something about is error. So today's our topic is error. आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज एरर. सो लेट अस डिस्कस इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. ठीक है, तो पहले उसकी डेफिनेशन से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर विल स्विच ओवर टू द अदर टॉपिक. ऑलराइट, सो इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट is known as error. Okay, from the definition, what is it? Inaccuracy in measurement is known as error. There are two types of error we have. First, that is systematic error. Second, that is random error. Alright, so let us take a look further. Today's our topic is error. Now, what is error? So, inaccuracy in measurement is known as error. There are two types of error. Okay, we have first is systematic error, second is random error. Now, what is systematic error? Let us take its definition. So, From the definition we can say the error which is known to us is known as systematic error. मतलब कि जिस एरर के ओरिजिन के बारे में हम जानते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. दिस टाइप ऑफ एरर प्रोड्यूस इन एनी वन डायरेक्शन either positive or negative. तो ये जो error है वो किसी एक direction में ही produce हो सकती है, या तो positive direction में या तो negative direction में. अगर कोई instrument के अंदर systematic error produce हो रहा है तो अगर सपोज करो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हर बार आप मेजरमेंट करोगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा. तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, रीजन फॉर दी सिस्टमैटिक एरर, सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर. Second, improper method, and third, personal error. ठीक है, so systematic error produce होने के mainly तीन reason होते हैं. सबसे पहला है instrumental error. अगर आप जिस भी instrument से error
मेजर कर रहे हैं अगर वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर प्रोड्यूस है तो उसकी वजह से आपको ऑलवेज सिस्टमेटिक एरर मिलेगा. जैसे कि सपोज करो आप किसी भी वेइंग स्केल से अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहे हो ओके, पर वो जो वेइंग स्केल है वो वेइंग स्केल के अंदर 2 kg प्लस दिखा रहा है, मतलब कि अगर आप वहां पर खड़े हो या नहीं खड़े हो वो प्लस 2 kg दिखा रहा है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो वहां पर 0 kg होना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ 0 kg इट इज शोइंग यू 2 kg, मतलब कि आपका जो वेइंग स्केल है उसका कैलिब्रेशन सही नहीं है. तो जितनी भी बार आप वेट करोगे उतनी बार हर बार आपके ऑब्जेक्ट में प्लस 2 kg जितना एरर रहेगा. तो ये जो होता है दैट इज द सिस्टमैटिक एरर, मतलब कि हर बार पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका आपको एरर देखने को मिलेगा. सो फर्स्ट रीजन दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड रीजन दैट इज इम्प्रॉपर मेथड. अभी इम्प्रॉपर मेथड क्या होता है वो भी आपको सिखा देता हूँ. जैसे कि सपोज करो छोटे बच्चे का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो छोटे बच्चों का हम बहुत छोटे बच्चे होते तो उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर को इस तरह से लगा के उसका जो भी टेम्परेचर आता है मेजर करते हैं. पर एक्चुअल जो मेथड है हमें प्रॉपर टेम्परेचर के लिए चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले टंग के नीचे, ठीक है ये टंग है उसके नीचे आपको थर्मोमीटर रखना पड़ेगा, तब जाके आपको टेम्परेचर मिलेगा वो सही होगा. पर यहाँ पर हमने जो किया ठीक है वो इम्प्रॉपर मेथड था, तो बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मेथड आपके पास जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर. यानी ये दूसरा रीजन है कि सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस होगा. तीसरा है पर्सनल रीजन, ठीक है अगर कोई ह्यूमन आपका मेजरमेंट कर रहा है पर बिकॉज ऑफ मेजरमेंट उसके व्यू कुछ अलग है हमारे व्यू कुछ अलग है, तो बिकॉज ऑफ व्यू चेंज होने की वजह से सपोज करो हम किसी भी चीज का ठीक है लेंथ मेजर कर रहे हैं तो स्केल के अंदर आपको 10.52 meters दिखा रहा है. ठीक है स्केल के अंदर वो जो मेजरमेंट है वो 10.52 meters दिखा रहा है. अभी जो बंदा ये मेजर कर रहा है वो उसको कुछ इस तरह से 10.5 के तौर पर ले लेता है और हम इसको 10.52 के तौर पर लेते हैं. तो यू कैन सी यहाँ पर पर्सन चेंज हुआ उस हिसाब से मेजरमेंट भी चेंज हुआ, तो बिकॉज ऑफ पर्सन जो एरर प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज द पर्सनल एरर. तो ये आपकी सिस्टमेटिक एरर के 3 रीजन से व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड. लेट्स डिस्कस सेकंड एरर दैट इज रैंडम एरर. So what is random error? The error produced irregularly and at random in magnitude and direction is known as random error. Okay. The reason behind this error is unknown. Hence, it is not possible to remove it
completely. There are variety of reason behind it to produce. ठीक है, तो हमारे सेकंड एरर के लिए हम बात करते हैं, दैट इज दी रैंडम एरर. सो व्हाट इज रैंडम एरर? द एरर प्रोड्यूस्ड इररेगुलरली and at random in magnitude and direction is known as random error. The reason behind this error is unknown, hence it is not possible to remove it completely. There are variety of reasons behind it to produce. ठीक है, so after all the discover हम जो एक conclusion पर पहुंचे हैं, error मतलब is equal to true value minus measured value. So it is the difference between true value and measured value. इसको हम अभी मॉडिफिकेशन करके एरर का एक डेफिनेशन बता सकते हैं. सो व्हाट इज एरर नाउ? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इट इज नोन एज द एरर. तो ये दो रीजंस थे, मतलब ये दो टाइप की हमने एरर्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, रैंडम एरर क्या है आपको मैंने समझा दिया, उसके ऊपर से हमने एरर की बात कर दी है. ठीक है, चलिए अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मेनी. अभी हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कुछ एरर्स के बारे में. सो एस्टिमेशन ऑफ एरर की हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास तीन टाइप की एरर्स सिखाई जाएगी. सबसे पहले है एब्सोल्यूट एरर, फिर है रिलेटिव एरर, फिर है परसेंटेज एरर. सो ये क्वेश्चन ठीक है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे. मतलब कि यहाँ पर ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, इन सारी चीजों की यूज से आप एग्जांपल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो अंडरस्टैंड होगा. सो प्लीज इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. सो नाउ लेट अस वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, what is relative error and what is percentage error. Suppose after the successive experiment, 1 person find the some calculated values A1, A2, A3, A4, A5 are the measured values of any quantity. ठीक है,
आफ्टर सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट के बाद किसी पर्सन ने कोई एक क्वांटिटी के डिफरेंट वैल्यूज लेके आए, सपोज इट इज A1, A2, A3, A4 एंड A5, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू फाइंड ए बार. हाउ वी कैन फाइंड इट, सो ए बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5. जैसे कि हम 10th स्टैंडर्ड में मीन फाइंड करना सीखे थे, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी मीन फाइंड करना पड़ेगा. कैसे फाइंड कर सकते हम, सो A1, A2, A3, A4, A5 आपको दिया था, तो ए बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5, मतलब कि हमने सबसे पहले मीन वैल्यू फाइंड कर ली ना. अभी हम क्या करेंगे, सो आफ्टर गेटिंग मीन वैल्यू हम डेल्टा A1 लेके आएंगे. डेल्टा A1 इज इक्वल टू इन मोड A बार माइनस A1. डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2. डेल्टा A3 A बार माइनस A3. डेल्टा A4 A बार माइनस A4. डेल्टा A5 A बार माइनस A5. तो इस तरह से हम अलग अलग चीजें फाइंड करेंगे. अच्छा, डेल्टा A1 है, इसको बोलते हैं पर्सनल एब्सोल्यूट एरर. इसको बोला जाता है पर्सनल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. उसी तरह से डेल्टा A2 को भी पर्सनल बोला जाता है, मतलब किसी एक के साथ है, दैट इज पर्सनल, और सबके साथ है तो उसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है. तो ये आपका सबसे पहले पर्सनल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होगा. कैसे फाइंड करेंगे, सो A1 माइनस A1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा पर्सनल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. तो कैसे फाइंड किया जाता है, तो मोड, ये मोड रखने का रीजन था कि A1 माइनस A1 अगर हम करते हैं, A1 की वैल्यू अगर छोटी है और A1 की वैल्यू बड़ी है तो इसका डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दूर करना है तो हमने मोड कर लिया. मोड करने की वजह से आपका जो भी आंसर आएगा वो प्लस होगा, इस वजह से यहाँ पर हमने मोड किया हुआ है. तो इस तरह से अलग अलग पर्सनल एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. या फिर इसको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर भी बोला जाता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ, इसको हमने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर भी बोला जाता है. तो इस तरह से आप सेकेंड स्टेप करोगे. ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, सो डेल्टा ए बार फाइंड करेंगे. डेल्टा ए बार कैसे फाइंड किया जाता है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 ओवर 5. इस तरह से आप डेल्टा ए बार फाइंड कर सकते हो, ठीक है. फिर से एक बार, हमने डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 की वैल्यू ले ली. कैसे, तो ए बार ये जो आपने एवरेज निकाला यानी मीन निकाला वो माइनस A1 जो वैल्यू यहाँ पर दिया था वो, तो डेल्टा A1 मिला. फिर ए बार माइनस A2, डेल्टा A2 मिला. ए बार माइनस A3, डेल्टा A3 मिला. ए बार माइनस A4, डेल्टा A4 मिला. ए बार माइनस A5, डेल्टा A5 मिला. अभी सभी का एडिशन डिवाइड बाय 5, मतलब इसका भी हमने मीन ले लिया. तो ये जो मिला डेल्टा ए बार, दैट इज नोन एज एवरेज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज नोन एज एवरेज एब्सोल्यूट एरर. तो इस तरह से आपको एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, ठीक है. अभी इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव एरर या फिर उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं.
either it is known as relative error or it is known as fractional error. तो relative error या fractional error को del A से denote किया जाता है. del A is equal to delta A bar over A bar. मतलब कि आपने ये जो average absolute error निकाला वो delta A bar और पहले जो A bar वाला value find किया था, इन दोनों का अगर आप ratio करते हो, that gives you relative error और fractional error. उसके बाद हम बात करते हैं percentage error find करने के बारे में. So percentage error कैसे find किया जाता है? तो percentage error it is इस तरह से denote किया जाता है equal to del A multiply 100. मतलब कि आपकी जो relative error del A मिला उसको 100 से multiply करते हैं तो आपको percentage error मिल जाएगा. तो इस तरह से हम average absolute error, relative error और percentage error find कर सकते हैं. So this is the method.